हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति खाना खजाना। दोस्तों, सावन स्टार्ट हो चुके हैं, शिव जी को भोग भी लगाना है, तो हमें भोग के लिए लड्डू या फिर बर्फी तो रेडी करनी पड़ती है ना। तो आज की मेरी रेसिपी कुछ यही है। आज की मेरी रेसिपी है सूजी के लड्डू। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए, इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सूजी का लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप सूजी ली है, 3/4 कप दूध, आधे कप चीनी, जितनी हमें सूजी लेनी है उसका आधा हमें चीनी लेना है, 1/4 कप दूध पाउडर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं, आधी छोटी चम्मच इलायची, फूड कलर, यह मैंने रेड कलर लिया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसे तलने के लिए घी। चलिए, इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ सूखी कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस का फ्लेम जो है वो हमें लो रखना है। सूखी कढ़ाई में हमने 1 कप सूजी डाल लिया है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन ना हो जाए और इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल ना जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सूजी जो है वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है और इसका कच्चापन है वो भी निकल चुका है। अब हमें इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी ले लिया है। इस घी को अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। घी के अच्छी तरीके से मेल्ट होने के बाद हमें यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं और ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से सेक लेना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सिक गई है, हमें इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। दोस्तों, अब हमें इसी कढ़ाई में ये सूजी डाल लेना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमने सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे चीनी डालनी है, दूध पाउडर डाल लेना है और इसे दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, दूध एक साथ ना डालें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हमें यहाँ इलायची पाउडर डालनी है और जो हमने फूड कलर रखा था ये डालना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है। हमें इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकाना है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेने हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। इसे अच्छी और इसे अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। जब ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये जो चिपके हुए हैं ना ये भी अलग अलग हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। अब हमें इसके लड्डू बनाने हैं। अब इस तरीके से नरम हाथों से लड्डू बनाइएगा। देखिए इस तरीके से, मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। देखिए ये लड्डू बिल्कुल अच्छी तरीके से बन रही है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। दोस्तों, ये सूजी के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही दानेदार बनकर रेडी होती है, बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलती है वैसे ही लड्डू बनकर रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लड्डू कैसे बनके रेडी हुई, और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।